जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार है और एग्ज़ाम स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मेरी जो कल वाली वीडियो थी उसको बहुत सारा प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कल से रिलेटेड ही रहेगा। कल हमने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात की थी, तो संविधानिक विकास को ऐसे ही आगे बढ़ाते हुए आज हम 1781 और 1784 एक्ट के बारे में बात करेंगे। तो समय को ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो 1781 का जो एक्ट था उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला जाता था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 के एक्ट में इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। ये जो एक्ट आया था 1773 का, जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसकी त्रुटियों को पूरा करने के लिए आया था, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो इस एक्ट में इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है। अब बात करते हैं हम 1784 के, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब हम बात करेंगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की। तो भाई ये है क्या? पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि है क्या, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि है क्या। तो 1782 ईस्वी में इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो नॉर्थ बुक थे। उनकी सरकार में एक मंत्री थे जिनका नाम था डंडास। उन्होंने संसद में एक प्रस्ताव पेश किया और संसद में वो प्रस्ताव गिर गया, जिसके कारण नॉर्थ बुक को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। जो नए प्रधानमंत्री बने वो बने लॉर्ड पिट्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि इनके नाम से ही ये एक्ट आया सन 1784 में। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आई थी पिट्स इंडिया एक्ट में, उसके बारे में देखते हैं। तो 1784 की जो इंडिया एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बातें थी कि इस एक्ट में जो कंपनी के राजनीतिक और हमारे व्यापारिक जो ये दोनों कार्य थे, कार्यों को पृथक कर दिया। पृथक मतलब दोनों कार्यों को बांट दिया, यानी दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया। तो राजनीतिक कार्यों के लिए 6 सदस्यों का एक गठन किया गया, जिसको बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे पहले राजनीतिक और व्यापारिक दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया, और राजनीतिक कार्यों के लिए 6 सदस्यों का एक बोर्ड गठन किया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, दूसरा, कि जो पहले रिश्वत ले रहे थे, रिश्वत लेना इसमें प्रतिबंध हो गया। यानी कोई उपहार भी कोई लेता था राजा महाराजा से तो उसको भी प्रतिबंध कर दिया। तीसरा अगर देखा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट कि राजनीतिक और व्यापारिक कार्य दोनों अलग अलग कर दिए, यानी कंपनी के अंदर द्वैत शासन, कंपनी के अंदर द्वैत शासन की प्रक्रिया ब्रिटिश सरकार ने चालू कर दी। तीसरा अगर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट याद करते हैं, उसमें जो हमारे गवर्नर जनरल थे उनके लिए 4 कार्यकारिणी सदस्य होते थे, लेकिन इस एक्ट में उन 4 कार्यकारिणी सदस्य की जगह अब 3 कार्यकारिणी सदस्य रहेंगे। तो 3 कार्यकारिणी, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा। तो एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो पिट्स इंडिया एक्ट में राजनीतिक व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया, राजनीतिक कार्यों के लिए 6 सदस्यों की एक टीम बनाई गई जिनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया, और 1784 में रिश्वत लेने पर प्रतिबंध यानी उपहार लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया, कंपनी के अंदर द्वैत शासन ब्रिटिश सरकार ने चालू कर दिया, और तीसरा इसमें कार्यकारिणी सदस्य 3 रह गए।
तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसी भी एग्ज़ाम में ये आपको यूज़फुल रहेंगे। अब हम बात करते हैं कल के वीडियो की। कल का वीडियो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसमें एक कमेंट आया था कि 1773 से पहले क्या जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो थे या नहीं थे, तो उसके बारे में एक बार हम समझ लेते हैं। तो हम बात करते हैं 1599 ईस्वी की। तो 1599 में एक कंपनी का गठन हुआ, जो उसके बाद में 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने उसको 15 साल का लाइसेंस दे दिया कार्य करने के लिए, पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए, जो कि उनका एकाधिकार था। उसके बाद में क्या होता है कि अगर कोई कंपनी बन गई, कोई भी कंपनी हो छोटी लेके बड़ी, तो उसके प्रबंधन के लिए कुछ ना प्रबंधन के लिए भी तो करना पड़ेगा ना, उसका मैनेजमेंट चलेगा कैसे। तो प्रबंधन के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति का नाम था निदेशक मंडल। ये जो निदेशक मंडल है यही हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे। तो मैं आशा करूंगा कि आपका आपने जो कमेंट में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको मिल गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।